पूजा और आप देख रहे हैं आर्ट इंडिया न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। पीड़िता के अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि महालक्ष्मी नगर में रहने वाली पीड़िता का विवाह 1 जून 2015 को शीतल नगर निवासी दीपक पिता रामशंकर गुप्ता से हुआ था। शादी के बाद पति दीपक, जेठ रवि गुप्ता, जेठानी रश्मि, ननंद किरण द्वारा शादी में कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता से डस्टर गाड़ी के दहेज में रूप में मांगी जाने लगी। दहेज की पूर्ति नहीं करने पर आरोपी ससुराल जनों ने षड्यंत्र रच पीड़िता के मुंह में कोई दवाई डाल गर्भपात कराने का प्रयास भी किया। कभी चूहा मारने वाली दवाई खिलाकर तो कभी मिट्टी के तेल डालकर आत्महत्या दिखाने की धमकी, जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और पीड़िता को आए दिन प्रताड़ित कर सम्मान पूर्वक न रख हिंसा करित करने से प्रताड़ित होकर पीड़िता ने आरोपी गण ससुराल जनों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट भी महिला थाना इंदौर में लिखवाई थी और घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में जिला कोर्ट इंदौर में पेश भी किया गया था, जहां से महिला एवं बाल विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट पर ससुराल जनों के विरुद्ध घरेलू हिंसा का कोर्ट में केस दर्ज किया गया था तथा दहेज के केस में जमानत पर छूटने के बाद आरोपी पति जेठ रवि द्वारा पीड़िता को फिर परेशान किया गया। पीड़िता ने ससुराल जनों के अत्याचारों से घरेलू हिंसा के केस में न्यायालय संरक्षण की मांग करने पर सारे सबूतों, बयानों एवं पीड़िता के अधिवक्ता गण कृष्ण कुमार कुन्हारे, प्रीति मेहना, ईश्वर कुमार प्रजापति, कीर्ति अग्रवाल को तर्क दिया था। तर्कों को श्रवण कर जिला कोर्ट इंदौर के न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमान कमलेश कुमार सोनी जी ने पीड़िता के आरोपों को प्रमाणित मान पीड़िता को ससुराल जनों से प्रताड़ना से संरक्षण दिलाने हेतु भविष्य में ससुराल जनों द्वारा घरेलू हिंसा न करने और न किसी के माध्यम से करवाने के आदेश देते हुए संरक्षण आदेश की कॉपी आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस थाना लसूड़िया और महिला एवं बाल विकास अधिकारी को भेजी। दूसरी तरफ पीड़िता पत्नी ने खाने खर्चे के फैमिली कोर्ट इंदौर में केस में पति द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न कर पीड़िता को खाना खर्चा न देने पर फैमिली कोर्ट इंदौर में भी पति दीपक गुप्ता की संपत्ति कुर्की वारंट जारी करते हुए पति द्वारा खाना खर्चा की राशि जमा न करने पर पति दीपक को गिरफ्तार कर फैमिली कोर्ट इंदौर में पेश करने के आदेश भी कुर्की वारंट में थाना लसूड़िया ने जारी किए हैं। मेरे साथ ससुराल में मेरी ननंद किरण और मेरे जेठ रवि गुप्ता और मेरी जेठानी रश्मि गुप्ता मुझे दहेज की मांग करके मुझे प्रताड़ित करते थे और वो दहेज में डस्टर गाड़ी की मांग करते थे और जो मेरे परिवारजन इसको पूरा नहीं कर सके तो वो मुझे घासलेट डाल के जान से मारने की धमकी और घासलेट डाल के जान से मारने की धमकी और चूहे मारने की दवा खिला के बोलते थे कि इसको वो दुर्घटना का रूप दे के मुझे मारने की धमकी देते थे। शीतल नगर निवासी दीपक पिता रामशंकर गुप्ता से हुआ था और शादी के बाद से ही जो पति दीपक, जेठ रवि, इसके अंदर जेठानी रश्मि और ननद किरण कम दहेज लाने को लेकर पीड़िता के साथ आए दिन परेशान करते थे और इसके साथ झगड़ा करते थे, उसको ताने मारते थे और डस्टर गाड़ी की मांग करते थे। इसी दौरान जब पीड़िता गर्भवती हुई तो इसके अंदर ससुराल जनों ने षड्यंत्र पूर्वक इसको दबा पिला के इसका गर्भपात कारित करा दिया दहेज की मांग पूर्ति नहीं करने पर। बाद में भी इनके दहेज की मांग बढ़ती रही और पीड़िता के साथ अत्याचार करते रहे। इसी दौरान पीड़िता को एक दिन खबर लगी कि ससुराल जन इसको मिट्टी का तेल डालकर जला देने का प्रयास कर रहे हैं और उन जलाने को आत्महत्या का रूप देना बताना चाहते हैं, इन सब चीजों को लेकर। और फिर एक दिन पीड़िता को यह भी जानकारी लगी कि ससुराल जन इसको चूहे मारने की दवा भी खिलाकर इसकी हत्या करना चाहते हैं और उसे आत्महत्या का नाटक के रूप देकर बचना चाह रहे हैं। इन सब षड्यंत्र की जानकारी लेकर पीड़िता ने महिला थाने पर आरोपों को लेकर ससुराल जनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर जमानत मिलने के दौरान आरोपीगण छूट गए थे। इसी दौरान पीड़िता द्वारा घरेलू हिंसाओं से महिला को संरक्षण देने की धारा 12 में जिला न्यायालय इंदौर में कोर्ट में केस पेश करा और आरोप ससुराल जनों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी थी। इसी दौरान जब पीड़िता कोर्ट से घर जाती थी तो घर जाने के दौरान भी आरोपीगण इसका पीछा करते थे, जिसमें एक दिन पति दीपक द्वारा और जेठ रवि द्वारा लखोड़े थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवास नाका पर पीड़िता को रोककर उससे केस में राजीनामा लेने को लेकर दबाव डाला जाने लगा और उसके साथ वहीं पर लाठपीट से मारपीट करी। पीड़िता ने जब आसपास के लोगों से मदद के लिए चिल्लाया तो आरोपी भाग गए, जिसकी रिपोर्ट भी पीड़िता ने थाना लसोड़े में लगाई थी, जहां से भी झूठने के बाद फिर ये आदतन आरोपी आए दिन पीड़िता को परेशान करते थे। कोर्ट जिला न्यायालय कोर्ट में घरेलू हिंसा के प्रकरण में पीड़िता ने पूरे अपने समस्त बयानों को सबूतों को पेश करने के उपरांत न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमान कमलेश कुमार सोनी जी ने
पीड़िता के आरोपों को सही मानते हुए ससुरालजनों द्वारा कारित की जा रही घरेलू हिंसा से संरक्षण दिलवाया पीड़िता को और आदेश की कॉपी महिला बाल विकास अधिकारी और संबंधित थाना लस्टेड़े को प्रेषित करी।